बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि असरीन नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम उर्दू और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जुबान है कुर्द, यानी इस नाम की इब्तदाई तारीख कुर्द जुबान से निकलती है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है। जिंस है लड़की, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल लड़कियों के लिए किया जाता है। असरीन की मुख्तसर इंग्लिश मीनिंग है ड्रॉप ऑफ टीयर, उर्दू मायनी है आंसू का कतरा। असरीन नाम का मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उनमें सरफरिस्त है इराक, नंबर दो पर है इंडिया और नंबर तीन पर है बांग्लादेश। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल हैं जुमा और सोमवार। नंबर सात को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। और तांबा को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दांतों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल हैं नीला, बनफशी और काला, जबकि फिरोजी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये खुद को तनहा महसूस करते हैं और लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलम दीन से मशवरा ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।